नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। बात करूंगा यहाँ पे मैं गाइस अमर राजा बैटरीज की। ठीक है, देखिए अमर राजा बैटरी में मैं इससे लगभग 7-8 दिन पहले वीडियो बनाया था और अब फिर से इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे आप कह सकते हैं एक पैनिक सा माहौल बन रहा है। लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा कि क्या अमर राजा बैटरी में जो गिरावट दिख रही है 2% ज़्यादा की, आज ये आने वाले समय में और भी बड़ी हो सकती है। मैं पर्सनली क्या कर रहा हूँ, और एक और चीज़ कि ये जो गिरावट है ये कब तक जारी रह सकती है, क्या Q4 के बाद ये गिरावट और सीवियर हो सकती है, इन्फ्लेशन का बैटरी स्टॉक से या बैटरी सेक्टर से किस प्रकार एक बहुत बड़ा रिलेशन है, और खास करके अमर राजा बैटरी में बात करूंगा क्योंकि इनकी एक्सपोर्ट्स आ रहे हैं। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा, मुझे लग रहा है वापस से एक काफ़ी अच्छे लेवल्स आ रहे हैं जहां पे हम एक नेक्स्ट एक्यूमुलेशन कर सकते हैं, लेकिन हड़बड़ाना भी नहीं है। दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले सब्सक्राइब का बटन दबा दें, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब विदाउट वेस्टिंग टाइम सीधा लेके चलता हूँ मैं आपको बैटरी सेक्टर की तरफ, शेयर प्राइस की तरफ। देखिए अमर राजा बैटरी 2.11% की गिरावट है। कितनी? 2.11% की ये गिरावट है। अब देखिए मैं जो कहना चाह रहा हूँ बात वो ये है कि जो अमर राजा बैटरी दोस्तों इन्फ्लेशन ये वर्ड से ही ना बड़ी ज़्यादा एक डर एक पैनिक का माहौल बन रहा है। ठीक है, देखिए होने के लिए तो अभी जो समर सीज़न होता है वो इन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा है। बैटरी एज अ सेक्टर एज ए कंपनी ये बहुत अच्छा सीज़न होता है, आपको पता होगा। प्लस जो पूरे आप सुन रहे होंगे कि भाई कोल की शॉर्टेज है, यानी कि लोगों के घरों में इन्वर्टर की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी। और यही चीज़ है कि जो अमर राजा बैटरी हो गई ये एक्साइड इंडस्ट्रीज हो गई, ऐसे बैटरी स्टॉक्स के लिए ये जो समय है ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा अनुकूल है। लेकिन हो क्या रहा है दोस्तों, अभी आने वाले दोस्तों क्या वो आ रहे हैं क्वार्टर फोर के रिजल्ट। और देखिए जो महंगाई है ना इन्फ्लेशन ये बहुत ज़्यादा डरा रही है सभी लोगों को, और यही कारण है कि जो गिरावट है वो बहुत तेज हो रही है अमर राजा बैटरी में, और एक्साइड में भी आज अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को मिली है। लेकिन स्पेसिफिकली अमर राजा में क्यों बात कर रहा हूँ, पहले देखिए अमर राजा में पहली की क्वेरी बहुत है और मैं काफ़ी लंबे समय से कंसिस्टेंटली मैं अमर राजा में बात कर रहा हूँ। और प्लस अमर राजा का एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा है दोस्तों इन कंपेयर ऑफ एक्साइड, तो जो एक्सपोर्ट के एक्सपेंसेस हैं और जो एक्सपोर्ट के जो चार्जेस हैं वो काफ़ी बढ़ चुके हैं पहले के मुकाबले। रीज़न आपको पता है, क्रूड ऑयल जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया है उसके प्राइजेस, तो जो एक्सपोर्ट प्राइजेस हैं वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। ऐसे समय में जो अमर राजा बैटरी के शेयर होल्डर्स हैं उन्हें ये डर सता रहा है कि भाई क्या जो क्वार्टर फोर के नतीजे आएंगे क्या उसके बाद एक और गिरावट होगी। मैं आपको बता दूं बिल्कुल मुझे ऐसा नहीं लगता है दोस्तों, मैं पर्सनली कह रहा हूं मैं पर्सनल होल्ड रखता हूं अमर राजा बैटरी में और अभी भी रखा हुआ हूं। और अगर आप मेरे 8 दिन पहले का वीडियो कहे थे, मैंने कहा था गिरावट होगी 575 को ये तोड़ नहीं पा रहा है, ये वो लेवल है जहां पे अमर राजा बैटरी को एक बहुत तगड़ा एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस फेस करना पड़ रहा है, इसीलिए 575 ये नहीं दिख रहा था। प्लस बाजार बहुत वीक लग रहा था मुझे, मैंने कहा था प्लीज इन लेवल्स पे नया निवेश मत कीजिए, और अगर करना ही आपको बहुत ज्यादा मन है तो इकट्ठा मत कीजिएगा क्योंकि वापस से मुझे गिरावट दिख रही है। और नियर टर्म में जो बहुत तगड़ा सपोर्ट मुझे दिख रहा था वो क्या था, वो था दोस्तों 550 के आसपास का। ठीक है, 550 और उससे भी ऊपर ट्रेड करा, मतलब उतनी कोई बड़ी वीकनेस नहीं आई अभी। लेकिन हाँ, अगर नियर टर्म में ये आपको 530 के आसपास मिलता है और फ्रेंकली अगर गिरावट बड़ी सीवियर होती है तो ये जो लेवल है दोस्तों 492 to 510 ये 20 रुपए का लेवल बहुत ही ज्यादा अच्छा है, तगड़ा है फॉर सपोर्ट लेवल। यहाँ से अमर राजा बैटरी की जो कह सकते हैं आप जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो कहीं ज्यादा अच्छा है, बहुत ज्यादा अच्छा है दोस्तों। और पर्सनली मैं आपको बता दूं जो मैं नेक्स्ट अपना इन्वेस्टमेंट की तैयारी कर रहा हूँ, अगर ये स्टॉक मुझे वापस से 490 से लेकर के 510 के बीच मिलेगा तो मैं नेक्स्ट एवरेज अपनी करूंगा। और अगर किन्होंने नहीं निवेश किया है और 490-510 के बीच अगर आपको अमर राजा बैटरी मिलता है, प्लीज़ फॉर अ लॉन्गर टर्म प्लीज़ बिल्कुल बना के रखिएगा दोस्तों। ठीक है,
अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए इन्फ्लेशन जो है ना, इन्फ्लेशन और एक और चीज के बारे में हम कम बात कर रहे हैं या कोई लोग बात ही नहीं करना चाह रहे, वो है दोस्तों एम्प्लॉय कॉस्ट। ठीक है, जो एम्प्लॉय कॉस्ट है ये बड़ा तगड़ा प्रेशर कर रही है अब सभी बैड सेक्टर्स पे, और बैटरी सेक्टर में भी ये नहीं बचेगा क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। आपको एम्प्लॉयज को ज्यादा तनख्वाह देनी पड़ेगी, यानी आपके बॉटम लाइन, आपके मार्जिन में डेंट पड़ेगा। पिछली बार अमर राजा बैटरी ने बहुत ज्यादा, मैं कहूंगा अच्छे रिजल्ट पेश किए दोस्तों, और सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट इन्होंने दिखाई थी अपने जो कॉस्ट कटिंग है उस फैक्टर पे। अगर इस बार भी ये अपने कॉस्ट कटिंग में अच्छा करने में कामयाब होते हैं, कि मुझे लग रहा है दोस्तों जो सेल्स के नंबर आएंगे ना, सेल्स के नंबर वो मुझे लगता है काफी अच्छे होंगे। लेकिन जो एक्सपेंस का सेक्टर है वो हमें देखना चाहिए, और अगर कंपनी एक्सपेंसेस को कम करने में कामयाब रहती है, मुझे लगता है फॉर अ लॉन्गर टर्म, फॉर अ लॉन्गर होराइजन, मुझे अमर राजा बैटरी में आज भी अभी भी कोई प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं है। बट जो प्रॉब्लम है मैंने आपको बता दी, जो लेवल्स में मैं बहुत ज़्यादा कह सकते हैं आप एक सपोर्ट की उम्मीद रखता हूँ, लेकिन देखिए बाजार में जब मैं कहता हूँ ना कि बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है 590 से लेकर के 510, 490 से 510, इसका मतलब ये नहीं कि इससे नीचे नहीं जाएगा, लेकिन हाँ ये है कि अगर ये टूटेगा तो फिर उसे बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं हो सकती, क्योंकि बाजार दोस्तों इन्फ्लेशन के कारण कहाँ तक गिरेगा ये नहीं पता, और अगर बाजार बहुत ज़्यादा गिरता है तो फिर कोई स्टॉक बचेंगे नहीं दोस्तों। लेकिन देखिए ये ऑलरेडी बीटन डाउन स्टॉक है, आज जब सेंसेक्स निफ्टी इतना बुरी कदर गिरा है तो भी इसे कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं आई है दोस्तों, इसीलिए मैं आपसे कहूंगा अगर और गिरावट होती है 530 के आसपास, ये स्टॉक मुझे लिटरली में बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। और अमर राजा बैटरी में मैं लॉन्ग टर्म में आज भी उतना ही बुलिश हूँ जितना मैं पहले था। बिजनेस फ्रंट में कोई इशू नहीं है, सेल्स मुझे अच्छी लगती है, हाँ लेकिन एक कंसर्न जो मुझे भी दिखता है दोस्तों, और वो एक ही है, क्या है वो है इन्फ्लेशन का। ठीक है, तो हमें ये देखना होगा Q4 के बाद, मुझे ये नहीं लगता अगर रिजल्ट थोड़े ख़राब भी आएंगे तो भी मुझे कोई बड़ी गिरावट नहीं दिखती, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गिर चुका है स्टॉक, और हमने इतिहास में देखा है जो रिजल्ट से पहले बहुत ज़्यादा गिर जाते हैं स्टॉक उसमें कोई बड़ी गिरावट नहीं आती। लॉरस लैब एक जीता जाता एग्जाम्पल है दोस्तों। तो यदि आपको ये मेरी पूरी एनालिसिस पसंद आई हो, अमर राजा बैटरी पर मैंने जो राय दी है वो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक कीजिए, औरों के साथ शेयर कीजिए, और यहाँ तक जुड़े रहिए, अपना समय दिया इस बच्चे, बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो का अंत है, जय हिंद दोस्तों।